कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। माटी का क्या तोपै स्वामी, मानस की गत एही। ज्यों बुलावूं त्यों बोला स्वामी, कुदरत कवन हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। वाहिगुरु साहिब जी, राग गौड़ी महला नवा, साधु हो मन का मान त्यागो। काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अहनिस भागो। साधु मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अहनिस भागो। रहाओ सुख दुख दोनों सम कर जाने, और मान अपमाना। हरख सोग ते रहे अतीता, तिन जागो तत पिछाना। उस्त निंदा दो त्यागै, खोजै पद निर्वाना। जन नानक इह खेल कठन है, किन्हूं गुरमुख जाना। उस्त नंदा दो त्यागै, खोजै पद निर्वाना। जन नानक इहो खेल कठन है, गुरमुख हो किन्हूं गुरमुख जाना। परम सन्मान योग साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की रहमत कृपा सदका अमृत वेले तो आप जी हाजरियां भर रहे हो। सतगुरु जी ने रहमत बख्शिश की है, नौवें पातशाह साहिब सतगुरु गरीब नवाज पातशाह गुरु तेग बहादुर सतगुरु जी दे 400 साल प्रकाश पुरब शताब्दी नूं समर्पित सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने कृपा की त्रुट करके बख्शिश की है। सतगुरु साहब जी की पवित्र गुरबाणी की विचार करन दा सुभाग क्षमा प्राप्त होया है। आओ गुरमुखो, सतगुरु जी ने आप ही मालक पातशाह जी सतगुरु साहब के चरणा च अरदास बेनती है कि मालक जी आप ही ये सारी सेवा लै लैन। आओ गुरमुखो, शब्द जो आप जी ने सतगुरु साहब का सरवण किया गौड़ी राग विच, गुरु तेग बहादुर साहब का यह पहला शब्द है। और सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का पावन शब्द 219 अंग उपर सुभायमान है। और इस शब्द अंदर सतगुरु पातशाह ने सब तो पहला मनुख दे हंकार की गल करके उसनू समदृष्टि किदां दस्या है, भी किवें बनना है, गुण केड़े होने चाहिए ने, औगुण केड़े कढ़ने ने, ते जिहड़े ये राह ते चलदे ने उह किदां दे हुंदे ने। आओ इस पावन शब्द की विचार आरंभ करन तो पहला गुरु बख्शी फतेह नाल सांझ पाईए। देहो आशीष प्यार नाल आखो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धर्म कर्म माड़ा नहीं, जे धर्म दे कर्म विच हंकार ना होए, उन्ना धर्म कर्म प्रफुल्लित नहीं हुंदा जे बंदा धर्म कर्म करके उसका गुमान करन लग पए। कोई आदमी दिन रात का सफ़र करके बड़ा लम्मा समा कट के यात्रा कीती होवे, ते यात्रा करदे दौरान कई तरह के मनुख मिलते ने,
कई लोड़वंद भी मिले, कई भले भी मिले, कई लुटन लुटन वाले चोर भी मिले, कईयां नूं दान भी कीता, कईयां तों बचा भी कीता। पर सतगुरु पातशाह कहिंदे बंदा मन लो जे धर्म कर्म करके भी सतगुर सच्चे पातशाह कहिंदे सारा धार्मिक अस्थाना ते घूमिया फिरिया दर्शन किया दान पुन किया ते जदों भी कदे नगर आया जां वापस आया ते सारे नगर नूं दस्या भी मैं किथे किथे दान भी किया है किदां किदां दे लोग मिले जे चंगे मिले तां उन्हां दी उस्तत बड़ी कीती जे माड़े मिल गए ते उन्हां दी निंदिया बड़ी कीती। ये आखना शुरू कर दिता है भी उत्थे गए सां वो धार्मिक स्थान ते है पर इदां दे बंदे मिले इदां दे औगण सी उन्हां विच। सतगुरु पातशाह कह रहे फिर वो ये बंदा कह रहा भी मैं उन्हां दियां आ आ कमियां वेखियां ने इदां इदां उन्हां विच औगण सीगा आ कम सीगा ते महसूस कीता भी इन्हां नालों ते मैं चंगा आ इन्हां नालों ते मैं कितने चंगा आ मैनू सगो इन्हां नालों तो सगो मैनू वध धर्म कर्म आउंदा है। गुरु सतगुरु तेग बहादुर पुछो पातशाह कह रहे फिर ते तू कुछ भी नहीं खटिया क्योंकि तेनू यही लग रहा इन्हां धर्म कर्म करके भी जो कुछ वेख्या जिन्हां लोकां नू मिलिया सारे माड़े सी मैं ही चंगा सीगा जिन्हां नू दान कीता वह बेचारे बड़े गरीब सी मैं अमीर सी तां दान कर दिता। सतगुर सच्चे पातशाह कहिंदे ने फिर तां इदां आ भी तीर्थ बरत यार दान कर मन मैं धरै गुमान। तीर्थ भी कीता है बड़ा व्रत भी रखिया है दान भी कीता है पर नाल सतगुरु कहते जिहड़ी चीज ये काम करके भुला देनी ही ना इन्हें याद रखी तो याद ये गली इत्थे नहीं याद ही नहीं सगो दा गुमान बन गया है अहंकार हो गया है। तीर्थ बरत यार दान कर मन मैं धरे गुमान इहदा हुण रिजल्ट की है सिट्टा की है नानक निफल जात ते ज्यों कुंचर इशनान। नानक जी कहिंदे गुरु तेग बहादुर सतगुरु कहिंदे कीता ते बड़ा कुछ है पर ये निफल चला गया किदां ज्यों कुंचर इशनान जिवें हाथी दा इशनान हाथी इशनान पानी च वड़िया भावें दो घंटे ला दे हां सिर ते पानी पाई जो पर जदों भी बाहर आउंदा है मिट्टी दा सुंड भरदा अपने सिर ते पा लैंदा है जिन्ना चिर वह पानी में उन्होंने लग रहा भी इस मेरे तो वध खुश कोई नहीं दुनिया मेरे तो वध आनंद कोई नहीं मेरे तो वध सौखा कोई नहीं तो जदों बाहर आउंदा है सिर ते खेह पा लैंदा। सतगुरु कहिंदे दुनिया के लोग इदां दे हन धर्म कर्म बहुत है पर नाल गुमान ज्यादा है। तीर्थ तप दया दत्त दान जे को पावै तिल का मान तिल जिन्ना को मान मिलिया है। साहब सच्चे पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे इसे चीज़ नूं तो मैं कहना तुसी कढ दोगे तो तुसी रब दे नेड़े हो जाना तुसी रब दे रूपी बन जाना ताड़ा गुमान ही तुहानू रब दे नेड़े नहीं होण दे रहा। हे साधु लोगो तुसी बनते साधु गए हो वेखन नूं साधु हो नाम तुहाडा भावें साधु बन जावे लोकां विच पर गुरु सिंह तुसी अपने अंदरों साधु नहीं बने अंदरों साध्या ही नहीं गया अपने आप नूं बाहरों बाहरों तो साधु बन गया है तां ही मालक ने आख्या साधु मन का मान त्यागो। हे साधुओ तुसी मन का गुमान छड़ दिओ क्योंकि साधुआ कोई कई बार जरूरी नहीं भी हर एक साधु निम्रता दे भरिया है जरूरी नहीं कि हर साधु कोल ही अंदर हिरदे की शांति है। कुछ साधु ऐसे होंदे ने वेखण नूं साधु है पर अंदर अग बलदी है। भाई सेवा राम वर्गियां नूं पुछ के वेखना उन्हें भी वेखिया नूरपुर नूरपुर बेदी विच नूरपुर थल दे विच आया सीगा एक साधु धूणियां तो खा के बैठा सी बारह धूणियां दुआले दुआले लाइया सी उन्हें ते लोकां विच सारे टंडौंडी पिटी होई सी भी मेरे वर्गा तपस्वी कोई नहीं दुनिया ते पखंड दी मित्र आ जिन्ना कोई पखंड करेगा दुनिया उन्ना वध उन्हूं धर्मी मनेगी।
ते जिन्ना बंदा सच्चा सुच्चा सीधी गल मूँह ते करन वाला उन्ना भैड़ा लगेगा, ते जिन्ना ही बंदा पोचे मारन वाला होगा उन्ना ही बंदा चंगा लगेगा। हुण ओह की करदा सी बैठा ते है धूणियां ता के दुआले दुआले गर्म हाड़ जेठ हाड़ का महीना सी तपदी हुई रेता विच बह गया विचाले आके दुआले धूणियां लाईया होर सेक शरीर नूं मिलदा पिया। वेखण वाले नूरपुर के लोग कहिंदे लै इहदे वर्गा तपस्वी कोई नहीं, इहदे वर्गा ते साह दुनिया ते कोई नहीं जम्मिया। पिंड दियां माईयां पिंड दियां बच्चियां बीबियां तुरपियां पूड़े बना के खीर बना के कोई फ्रूट लै तुर पई है, कह लगे साध आया जे बड़ा तपस्वी बड़ा महान जे। गुरु का सिख भाई सेवा राम बड़े चिर तो पिंड च सेवा करदा पिया सी, वो कहिंदा मेरे हुंद मैं ते हुण तक गुरु नानक दी बाणी दा प्रचार पिंड विच कीता, जिन्हों किते ने लोड़ पई सतगुर दी बाणी दा गुटका साहब तैयार करके दिता, इन्हें तो आके ऐसा छड़ी षडयंत्र रचिया भी लोगों तो इन्हें हौली हौली बाणी पढ़न तो हटा के अपने मगर ला दिता है। बड़े लोग ने ऐसे जिन्हों का विश्वास जिहड़ा इन्हां बाणी ते घट ते बंदियां ते ज़्यादा आउंदा, ते जिन्हां का विश्वास बंदियां ओह ते ओह कदे बंदियां जिन्हां का विश्वास बाणी उपर ओह कदे बंदियां मगर नहीं लगदे, ते जिन्हां दा विश्वास बंदियां उत्ते बनिया ना उन्हां नूं बाणी दे 100 प्रमाण तुसीं दस दोगे उह शब्द उत्ते उन्ना विश्वास नहीं बनदा उन्हां दा। तां ही ते बंदे अज शरीरां नूं रब मन्नी बैठे ने, शरीरां नूं ही मत्थे टेकी जांदे भी साडे वास्ते इही रब है, क्योंकि मन ने शब्द नूं थां नहीं दित्ती शरीर नूं थां दित्ती है। गुरु घर विच शब्द प्रधान है शरीर प्रधान नहीं है। गुरु नानक साहब ने जिस दिन भाई लहणे नूं गुरता गद्दी बख्शी है, तुसीं अंदाजा लायो इस गल दा, इस तों पहलां गुरु नानक ने किन्नी दुनिया विच पातशाह जी ने जिहड़ा प्रचार कीता है किन्ना लम्मा पैंडा तय कीता, ते किसे अगे गुरु नानक ने सिर नहीं चुकाया ते ना कोई जम्मिया सी चुकाउण वाला। हाँ साधु मिले रब दे खुदा दे नाल जुड़े हुए बंदे मिले ते अदब सत्कार दिलों कीता गुरु नानक साहब ने, बहुत प्यार कीता है महाराज ने, पर उन्हूं ये नहीं कहा भी तू रबी है हुण तेरे तो बिना दुनिया नहीं चलनी, ये नहीं किया, सगो दस्या भी जिन्ना भी कोई महान हो जाए जिन्ना वड्डा हो जाए ना उन्ना ही अपने आप नूं छोटा गिणन लग पैंदा है, ते जिन्ना कोई अपने आप नूं छोटा भाव जिहड़ा अपने आप च है कख नहीं ना, जिहड़ा जिन्ना छोटा होएगा उन्ना अपने वड्डा गिणदा कि मैं बड़ा महान हो गया हाँ। नूरपुर विच इदां ही सीगा, माइया ने दाइया ने पिंड वालियां कठियां माइया बीबियां हो के तुरपियां उधर नूं, ते भाई सेवा राम चला जाता है ते जाके किसी सिख ने आख्या सेवा राम तेरे पिंड विच तू बाणी दा बड़ा प्रचार कीता है पर तेरे हुंदिया होया भी बड़िया माइया बड़िया बीबियां तुरपियां खीर पूड़े बना के साध वालन नूं, ते जदों गया कह लगा हुणे जाके पता करदा, जदों वेखिया बार बार पिंड दे ते बाबे सेवा राम ने आख्या कहिंदे वाकई लै भी तू बड़ा तपस्वी आ ओए, तेरे वर्गा दुनिया च तपस्वी कोई नहीं आया, तेरे वर्गा महान दुनिया ते इंसान ही कोई नहीं आया, तू सब तो दुनिया तो उत्तम बंदा तू, पर जे किते एक गलती ना होंदी तां तू निरा ही रब। ते ओ माड़ी जिहने आवाज ते सुनी अखां उहदियां बंद सी पर सुनी ते है उहने आवाज, फिर दूजी वारी कहा बाबे सेवा राम ने कह लगा वाकई तू तपस्वी बड़ा बड़ी तेरी घालना सेक शरीर नूं देई जाना है किन्नी तेरी घालना, पर एक गलती ना होंदी ते निरा रब। हुण एक अख खोल के वेखिया इह किहड़ा जिहड़ा मेरे चों कमियां लभण आ गया मेरे चों गलतियां लभण आ गया। तीजी वारी बाबे सेवा राम ने फिर गल दोहरा दित्ती कहण लगा वाकई तेरियां लम्मियां जटावां दसदियां ने तू बड़ा तप कीता है तेरे शरीर च पई होई एक कालख मली हुई दसदी तू बड़ा महान सन्यासी तपस्वी रहा है पर एक कमी ना होंदी तां तू निरा रब। तीजी वारी जदों उहने गल कही ते उहदियां अखां खुल्लियां लाल सुईआं भरियां पईआं गुस्से नाल कह लगा तू कौण आ मेरे चों कमियां लभण वाला होए, कहिंदा हाँ कहिंदा दसो किहड़ी गलती मेरे विच, कहिंदा हाँ जिहड़ी लभदी नहीं। फिर तू चौ
ਭੱਗ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸਾਧ ਧੂਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਕ ਕੱਢ ਕੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਉਹਦੇ। ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਮਗਰ ਮਗਰ, ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਹੋ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੰਪੂਰਨ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਕਮੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਕਮੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਔਗਣ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਹੋਂਦ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਾਨ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧ ਬਣਿਆ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਹੇ ਸਾਧੂਓ ਮਨ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੇ ਗੁਮਾਨ ਚੁਭੈ ਤਿਸ ਸੂਲਾ ਕੋ ਕਾਢਨ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਗੁਮਾਨ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਬੰਦੇ, ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਮਨ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਕੈਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਐਸੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰੇਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਬੇ ਥੋਕ ਵਿਸਾਰ ਹਿੱਕੋ ਖਿਆਲ ਕਰ, ਝੂਠਾ ਲਾਹੇ ਗੁਮਾਨ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਧਰ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇ, ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਮੁਜਮੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਕਹਿ ਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਿੱਦਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਲਿੱਤ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਗੁਮਾਨ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ। ਉਦਣ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੂਆ, ਮੁਜਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ। ਹੂੰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ, ਮੈਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਉਮੈ। ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੂਆ, ਮੁਜਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ। ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖੂੰ ਤਤ ਤੂੰ। ਉਦਣ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਜਬ ਹੇ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨਾ, ਤਬ ਹੇ ਬਾਵਰ ਫਿਰਤ ਬੇਗਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਮਾਨ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਬਾਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਫਿਰੇਗਾ। ਜਬ ਇਹ ਬਾਵਰ, ਜਬ ਇਹ ਕਰਤ ਹੈ, ਜਬ ਇਹ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨਾ, ਤਬ ਇਹ ਬਾਵਰ ਫਿਰਤ ਬੇਗਾਨਾ। ਜਬ ਇਹ ਹੋਵਾ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਰਮਈਆ ਘੱਟ ਘੱਟ ਚੀਨਾ। ਜਿੱਦਣ ਪਛਾਣ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ, ਉਦਣ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਛ ਤੂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਚਰਨ ਧੂੜਾ ਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸੱਚੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਧੂ ਬਾਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜੇ ਬਣੋ, ਮਨ ਚੋਂ ਗੁਮਾਨ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਹੰਕਾਰ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਇੱਕ ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨ ਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕਿਆ ਕਰ, ਮਾਨ ਕਰੂੰ ਤੁਧ ਉਪਰੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ, ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਸਦ ਭੂਲ ਤੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਬੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇੜਾ ਸੂਰਤ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਅੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਬੇੜਾ ਕੋਈ ਗਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੰਮੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਲਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲੰਘਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੰਘਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਈ, ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹੀ ਪਾਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ,
ते गुरु नानक तो बिना तेरा बेड़ा कोई पार लंघाउण वाला है ही नहीं। सिख का विश्वास चाहिए, गुरु ते मान चाहिए। जिदन सिख का गुरु ते मान बन जाए ना, उदन दुनिया के गुमान मुक जाते हैं। उदन संसार के पदार्थों की धन दौलत वाली झूठी शौहरत का हंकार मुक जाता है। ता पातशाह कहते ने पहली गल, हुण सतगुरु कहते ने पहली गल करे त्याग कुछ। पहला त्यागना है मान, दूसरा की है काम क्रोध संगत दुरजन की ताते अहनस भागो। काम क्रोध वाली जड़ी संगत है ना, ये छाड़। एक संगत बाहर दी है, एक संगत अंदर दी है। ख्यालां दी संगत, विचारां दी संगत। एक संगत वो है जिहड़ी तुसीं किसे बंदे नाल बैठोगे उहदियां गल्लां दा प्रभाव पएगा, चंगियां होण चाहे माड़ियां होण। ते एक वो है तुसीं इकल्ले बैठे होवोगे ते कई बार इकल्ले बैठिआं बंदे दे मन दे विचारां दी संगत हो रही हुंदी आ। अपने मन च कई कहिणे ख्याल आ रहे हुंदे ने, किसी नूं देख के आउंदे, किसी नूं सुण के विचार आउंदे ने। ते गुरु साहिब कहिंदे इह वी तां इक संगत ही है अंदर हो रही। जे अंदर विचार, जे अंदर सुभाउ रब दे नां वाला है ते विचार रब दीआं गल्लां वाले होणगे। जे अंदर विचार काम वाला है ते दुनिया दे पदार्थां ते दुनिया दे तन दी गल होएगी। ते सतगुर सच्चे पातशाह कहिंदे ने इह संगत माड़ी है भलिआ, इन्हां दी हर वेले संगत करदा रहेगा तो फिर बर्बाद होएगा। क्योंकि सतगुरु की बाणी एक गल दसदी है कि इन्हां दी संगत बंदे दा अंदरला खोखला कर दिंदी है। बड़ा प्यारा शब्द सी सतगुरु गुरु रामदास साहब दा, सरवण भी करदे हो, पढ़दे हो अक्सर भी। इस देही अंदर पंच चोर वसे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा। अमृत लूटे मन मुख नहीं बूझे, को ना सुने पुकारा। महाराज कहिंदे इहदे अंदर यह सब कुछ अमृत जिहड़ा सी ना रब दे नाम वाला लुट के लै गए ने, वह खोखला तुरिया फिरदा। बिन हर काम न आवत हे, जासो राच माच तुम लागे, ओह मोह नी मुहावत हे। बाबे कबीर नूं पुछो कहिंदे कमन काज सिरज जग पीतर, जन्म कमन फल पाया, भवन तरन तारन चिंता मन। एक निमख ना ये मन लाया, गोबिंद हमे ऐसे अपराधी, जिन प्रभ जियो पिंड थां दिया, तिस की पाओ भगत नहीं साधी। की कर रहे हैं अपराधी, क्यों बन गए असीं? क्योंकि सतगुरु कहिंदे जिहड़ा काम करना सी उह कीता नहीं, जिहड़ा मना कीता सी उही करी जा रहे हैं। जितों तो रोकिया सी असी कर की रहे हैं, साड़ी सोसाइटी की बन गई है। काम क्रोध लोभ इन्हां विच पै गए। पातशाह कहिंदे इन्हां दी संगत कर लग पए, इह संपै मोह माही, इह साड़ी संपत्ति बन गई। दया धर्म अर गुर की सेवा, इह सुपनंतर नाही। किसी दया वाला धर्म वाला कर्म करना यह सुपना ही नहीं कदे लिया, चंगा कर्म करन दा। हमेशा बुरी सोसाइटी, बुरी विचार ते बन रही। ते बाबे कबीर ने यह भी गल समझाई है भी जे किते तुहानू बुरी मत देण वाला बंदा भी मिल जाए ना, किते इहो जिहा जिहड़ा इहो जिहड़ा इहो जिहियां गल्लां करदा हुंदा है, बाणी पढ़िया की हुंदा है, गुरद्वारे जाया की हुंदा है। चंगे विचार होने चाहीदे, चंगे ख्याल होने चाहीदे ने, कित्थों पैदा हुंदे आ? चलो चंगे ख्याल होने जरूरी है, चंगे विचार होने जरूरी, पर चंगे विचार मिलन कित्थों? चंगे चंगे ख्याल आउण कित्थों? आउणगे गुरु संगत कोल ही ना, सतगुरु कोल, बाणी की बाणी कोल ही आउणगे ना। ते साहब सच्चे पातशाह ने आख्या जे इहो जे बंदे तैनूं मिलन, ते बाबे कबीर ने कबीर एक गल चेते रखी, फिर इदां दा कम तूं अपने जिहन च बिठा के रखी। तूं बंदा अगों इहो जिहा मिल जाए कबीर, साकत संग ना कीजिए दूरों जाइए भाग, इहो जिहा बंदा वेख दूरों पछां हो जा। इहदा मतलब यह नहीं भी उहनूं बुरा मन रहे हां, उह नफरत कर, नफरत नहीं। इस करके कह रहे हैं भी वह बंदे ने जदों भी गल करनी रब तो तोड़न वाली करनी, नफरत नहीं कर रहे पर उसकी संगत नहीं करना चाहते।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਨੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਖ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਏ ਭਾਗ, ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ ਤੌਕ ਛਲਾਗੈ ਦਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਫੜੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਾਗ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓਗੇ ਦਾਗੀ ਤਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ। ਦੁਰਜਨ ਦੀ ਤਾਂ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਦੁਰਜਨ ਜਿੱਥੇ ਖੋਟ ਹੀ ਖੋਟ ਦਿਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਨਾ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੀ ਗਾਵੈ, ਦੇਹੀ ਧੋਵੈ, ਚੱਕਰ ਬਣਾਵੈ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾਵੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਅੰਤਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨੇ ਕੀਨਾ, ਬਾਹਰ ਪੇਖੋ ਦਾਸੀ, ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾ ਚੀਨਾ, ਕਾਹੇ ਪਿਆਸਨ ਆਸੀ ਭਰਮੇ ਭੁੱਲੀ, ਰੇ ਜਾ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨੀ ਚੀਨਿਆ, ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਘਰ ਘਰ ਖਾਇਆ, ਪਿੰਡ ਵਧਾਇਆ ਖਿੰਥਾ ਮੁੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਪਸ ਭੂਮ ਮਸਾਣ ਕੀ ਭਸਮ ਲਗਾਈ, ਗੁਰਬਿਨ ਦੱਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਕਾਏ ਜਪੋਰੇ ਕਾਏ ਤਪੋਰੇ, ਕਾਏ ਬਲੋਵੋ ਪਾਣੀ, ਕਾਏ ਕਮੰਡਲ ਕਾਪੜੀਆਰੇ ਕਾਹੇ ਬਲੋਵੋ ਪਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਜ ਸਾਢੇ ਤੈ ਤੈ ਧੋਤੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਪਾਇਣ ਤਗ ਗਲੀ ਜਨਾ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ, ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਬਗ ਓਏ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਜਨਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚ। ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਲੁੱਟਣ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਆ ਪਰ ਧਰਮੀ ਹੋ ਨਾ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰਤ ਕਰ। ਗੁਰਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੜ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਜ ਦੱਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਖਣ ਆਪ ਕਦੇ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਕਦੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਮੰਗ ਮੰਗ ਖਾਣ, ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਾਉਣ, ਮੱਥੇ ਵੀ ਟਿਕਾਉਣ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਵਿਹਲਾ ਸੀ, ਪਿਓ ਨੇ ਬੜਾ ਡਾਂਟਣਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਹਟਾ ਕੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਚਿਰ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਘਰ 'ਚ ਮਸੀਤ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਉਦਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਮਸੀਤ ਬਣਾ ਤੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਗਾਵੇ ਗੀਤ, ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤ, ਮਖੱਟੂ ਹੋਏ ਕਹਿ ਕੰਨ ਪੜਾਏ। ਮਖੱਟੂ ਵਿਹਲੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਕੰਨ ਪੜਵਾ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਲੇ ਪਵਾ ਲੈਣੇ, ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਮਖੱਟੂ ਹੋਏ ਕਹਿ ਕੰਨ ਪੜਾਏ, ਫੱਕਰ ਕਰੇ ਹੋਰ ਜਾਤ ਗਵਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਸਦਾਏ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਾਵੇ ਤੇ ਪੀਰ ਵੀ ਕਹਾਵੇ, ਨਾਲ ਕਿਆ ਮੰਗਣ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰ ਪੀਰ ਸਦਾਏ, ਮੰਗਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਗੀਏ ਪਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੜ ਹੋ ਗਏ ਕੰਨ ਪੜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ, ਤੇ ਆਖਣ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ, ਦੱਸੋ ਸਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਦੇ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਬਸ ਸਾਧ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਘਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਨਹੀਂ,
अगला 700-800 रुपया आराम ना बना के एक घर चला जाता है। उन्हों की लोड़ है भाई कई फड़ के कई मेहनत कर दी, उन्हों की लोड़ है भी मैं कुछ करके कमावा वधिया है, पर गलों का जाल बड़े कमाल का होंगे। दुनिया किड्डा भी कोई छात्र है अपने कहता, पर जोगी बड़ा सियाना अपने मानता चतर होंगे है ना, भरमा लेंदा है। तो गुरु ने कहा यहो जे बंदियां तो भी बच के रहा भी दुर्जन ने, जिथे अंदर की संगत को बच के रहना, अंदर की बुराई तो बच के रहना है, उथे बाहर तो ठग जड़े बैठे ने, ठगण वाले जड़े ने, उन्हां दुर्जना खोटे बंद तो बचना आ। ता ते अहनस भागो भागो मैंने भज, अहनस मैंने दिन रात बचा कर रहाओ। अगली पंक्ति च क्या, सुख दुख दोनों सम कर जाने, सुख ते दुख जिंदगी च आने ही आने आ, ये मत जानी भी आने नहीं गे। दुख सुख सुख दुख सुख दो दर कपड़े पहरे जाए मनुख, गुरु ने कहा आने ही आ। जिदा एक तुसी कपड़ा उतार दे दूजा पहन लेने, उन्हें गंदा उतार अच्छा साफ पहन लिया, इदा ही जिंदगी का कदे दुख का कपड़ा पाना कि सुख का कपड़ा पाना है, तो होना इदा ही आ। इस तो बिना गुजारा नहीं। तुसी आखो गिणा भी ये जिंदगी दुख क्यों ने, जिन्ना चिर बंदे की जिंदगी च दुख ना ना हो तुहानू किसे दे दुख का एहसास ही नहीं होएगा। जे खुद किसी बंदे ने दुख नहीं ना हंडाया, वो दूसरे का दुख वेखेगा पर कदे एहसास नहीं होएगा भी दुख की चीज़ होंदी है। गुरु ने दोवें चीज़ां बराबर रखियां ने। महाराज ने सतगुरु की बाणी च कदे ये महाराज ने नहीं कहा भी तैनू दुख आना ही नहीं, महाराज कहते हैगा आ आना आ, पर तू जो रब नाल जुड़ जाएगा तेरा मन बलवान हो जाएगा, तेनों दुख दुख महसूस नहीं होएगा। जो नर दुख मैं दुख नहीं मान, सुख सुनेर पै नहीं जाके कंचन माटी मन है, उदा सुभा की बन जाएगा, तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तह ना ही बेयोग। जिदे जीवन सदा वास्ते आनंद भर गया आ, उन्होंने दुख सुख आते भी है तो लंघ जाने चले जाते, प्रभाव ही नहीं पाते। एक रब दे फकीर को पुछया गया भी दुख जिंदगी च क्यों आते ने, एक आदमी कहिंदा बड़ा दुखी है फकीर जी, बहुत औखा है, धन दौलत बड़ा है पर मैं दुखी बड़ा, की करा। उन्हें आख्या इंज कर, मैं तैनूं इक तरीका दसदा, तू सफर करना बेड़ी विच बह के, दरिया पार करना पर करना इको चप्पू ला के, बेड़ी तुरेगी एक चप्पू ना गां पर तू पार करना। वो एक चप्पू ने रख लिया, एक चप्पू दे दिता, बेड़ी च सवार हो गया, तुरदा आ पर बेड़ी तुरदी नहीं, घूमी जाती है उत्थे बथेरा ही। और आंदा वो साध खड़ोता किनारे ते, कह लगा फकीर कह लगा मार जोर दी चप्पू, कह लगा बथेरा मारदा पर सिद्धी नहीं होंदी, घूमी जाती है। कह लगा आ लै फल दूसरा चप्पू भी लै ला, दूसरा चप्पू फड़ाया तो चक्कर कट के आ गया। कहना कुछ समझ आई, कहिंदा नहीं, कहिंदा तुहानू दसण लगा वा जिंदगी दी बेड़ी दुख ते सुख दे चप्पू नाल ही चलदी है। जे तू कला आखे ना भी कला दुखी होवे जां कला सुखी होवे ते बेड़ी चलनी नहीं, उत्थे घूमी जानी है। ये दुख सुख दी बेड़ी बराबर चलेगी, ये चप्पू बराबर चलेगा, तो तू किनारे लगेगा, क्योंकि इस दुख सुख की बे दुख सुख के चप्पू ने, इस दुख सुख के समय ने सानू बहुत कुछ सिखाना आ, दसना आ की चंगा आ ते की माड़ा, केड़ा बंदा साथ दुख च दिंदा केड़ा नहीं दिंदा, दुख च सामी कौन भरदा है, सुख च नाल केड़ा खड़दा है। ते गुरु ने समझाया जो सुख होवेगा ते सारे तेरे कोल होणगे, सुख में आन बहुत मिले बैठ, रहत चहुं दिस घेरै नाल दस दिता है, दुख च की होएगा, विपत परी सब ही संग छाड़त को न आवत नेरै। गुरु ने कहा इस करके तेनू खुद नू दुख सुख नाल लड़न वास्ते मन नू बलवान करना पेगा, किसी नू दोष देने की लोड़ नहीं, किसी को पुछना पुछन की लोड़ नहीं, मन बलवान कर लो, तगड़ा कर लो, दुखां दी की मजाल है तुहाडा राह रोक जाण, दुख दी की मजाल तुहाडे घर पक्का डेरा आ जाए। जिदन तुसी घर च हसना शुरू कर दिता, तुहाडे घर च खिड़ा पैदा हो गया। मैं इस गल तो भी कई बार देखिया आ, जे घर च कितें कोई जी हस पवे ना तो ये भी लोग कहन लग पैंदे तेनू बड़ा हासा आउंदा,
कमाल है। हुण उह रोया करे घर बह के, जे रोएगा तां वी माड़ा, तूं हर वेले वैण पाउंदा रहिणा, इह कहिणा। गुरु साहब कह लगे नहीं भलिया, जिथे नानक भगतां सदा विगास है ना, उत्थे की है सुनिया दुख पाप का नास। वह जिथे विगास आ उत्थे नास आ, जिथे विगास नहीं, विगास दा अर्थ खेड़ा, खुशी, खड़ा। जिस घर च कदे खुशी नहीं है, खड़ा नहीं, हर वेले चेहरे मुरदिया मुरझाए पे ने, मथे तो वट लेंदे ही नहीं गे, दुखी मन अंदरों बाहरों दुखी होया बंदा। एहो जे बंदे को तुसी बह जाओगे, तुहाडा उठण नूं जी करेगा, भज गए बस इत्थों, भी हर वेले दुखी रोई जाना, दुखी रोई जाना। उहने सुखी कोई खुशी की गल ही नहीं करनी उहने। ते गुरु सच्चे पातशाह कहिंदे भलिया, जे मन बलवान होए ना, मन तगड़ा हो जाएगा, ते फिर तेनों दुख भी दुख महसूस नहीं होना। इस करे गुरु साहिब कहिंदे दुख सुख, सुख दुख दोनों सम कर जाने, बराबर जाने, ये बराबर चलन वाले ने। ये नहीं भी अज मतलब हुण कई वार हुंदा बाणी पढ़ता होवे, गुरु घर जाता, आखे जी मैं गुरुद्वारे भी जाना, बाणी पढ़ना, मैनू दुख क्यों आ गया बई, मैनू तो आना नहीं चाहिए। क्योंकि गुरु अर्जन साहब नू नहीं आया, नौवें पातशाह नू, दसवें पातशाह नू नहीं आया दुख, तो सारे शरीर करके, शरीर दुख नाल है बई, आना ही आना, आएगा। पर कितने दसवें पातशाह ने, नौवें पातशाह ने, जां पंजवें पातशाह ने कितने कहा भी रब्बा इन्ना दुख दिता यो, तो फिर की फायदा दुनिया से लिया ना। उन्हें कहा तेरा की आ मीठा लग है, कोई गल नहीं, फिर कहदी गल है, दुख सिर मर्दा नू दुख आते होंगे, कमजोर तो फाह लग मर जाते कहते, जिन्हां दे अंदर ताकत नहीं है, जिन्हां दे अंदर दुख नाल लड़न दी जुरत नहीं है, उही टंगे जांदे अपने नूं, टंग उही लैंदे ने, मर जांदे ने। ते जिहड़े मर्दां अंदर जुरत हुंदी है, उह कहिंदे दुख दी की मजाल है, सानूं अपने राह तों रोक जाए। इहो जिहे बंदे किस्मतां नूं अगे ला लैंदे ने, लोक किस्मतां नूं रोंदे रहिंदे ने। सतगुर सच्चे पातशाह कहिंदे ने, हे प्यारे बंदे, सुख दुख सोनो सम कर जाने। मैं जिगर कर लगा सी पंक्ति, कह लगा बाबे कबीर दी, कहन लगे इदा नहीं हुंदा, मान अभिमान मंदे सो सेवक नाही। मान मिल जाए कितों, वडियाई मिल जाए ना कितों, ते फुलिया फिरे भी हुण दुनिया च मैं ही रह गया, कितों अभिमान कितों मान लो कि अपमान मिल जाए ना, माड़ा मोटा कोई माड़ी गल कह जाए, तो मुड़ के आखे मैं गुरद्वारे नहीं जाना, कहिंदे वो सेवक थोड़ा। फिर मान अपमान मंदे सो सेवक ना ही, वह कहते सेवक हो सकता ही नहीं गा, सेवक कौन है, तत् समुंदर सी कोई कोट मंदा ही। कहते सब नू बराबर वेखने वाला, पर करोड़ा च एक दा हुंदा, सारे नहीं हुंदे। इस करके महाराज कहते सुख दुख दोनों सम कर जाने, और मान अपमाना, मान ते अपमान भी बराबर वे, कोई गल नहीं, कोई चंगा कह गया तां वी शुक्र है, माड़ा कह गया तां वी शुक्र है, कहते कोई गल नहीं, चिंता ही नहीं करनी लोड़। जे कोई दस गया है कमी, तो उन्हूं कोई गल नहीं, आपां सुधार लेंगे। एक गल, दो तरह के लोग होंगे ने, किसी की गलती कमी नूं वेख के दसण वाले दो तरह के लोग होंगे ने। एक होंगे जिहड़े परसनली किसी नूं अपना पुत्र धी समझ के प्यार नाल, परसनली भी इहदी किसी की इनसल्ट ना के सामने किसी दे हो जाए, कि सामने की बेइज्जती ना होवे, उहनूं इस तरीके नाल समझावां कल्या करके। एक होंगे ने जिहड़ा आंदा चार बंदे इकट्ठे होणगे फिर गल करनी है, क्योंकि मैं बेइज्जत करना चाहना, सोचते दो तरह के लोग होंगे ना। एक कहते ने भी आप इज्जत का ख्याल रखना है, एक कहते भी इज्जत उछालनी है, पर गुरु पातशाह कहते फिर भी परवाह ना करी, कोई गल नहीं, चिंता नहीं करनी लोड़। हरख सोग ते और मान माना, हरख सोग ते रहे अतीता, तिण जग तत् पछाना। खुशी ते गमी आउंदियां जांदियां, इस तों अतीत का अर्थ हुंदा निर्लेप रहना। जरूरी नहीं भी सारी जिंदगी सुख मगर ही दौड़ दे, खुशी मिल जाए, खुशी मिल जाए बस, पर छकदे तेरे कोल गम भी आएगा। पर यह भी गल चेते रखी भी गम आवे तो मुड़ के यह ना आखी भी हुण खुशी आनी नहीं, आएगी, ये सब कुछ ही चलना है, नाल नाल चलना है। हरख सोग ते रहे अतीता, जिन्हां ने इस गल नूं समझ लिया है, कहिंदे तिन जग तत् पछाना, उन्हां ने जगत की असलीयत पता कर ली, समझ लग गई है कि दुख सुख साडे शरीर नाल है, ते हर बंदे नाल है। नाल गुरु ने आख्या चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए, चिंता ते उहदी कर जो सिर्फ कल्ले तेरे नाल ही हो रही है। बाबे फरीद नूं पुछो, कहिंदे फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग उच्चे चढ़ के देखिया ता घर घर हाक, मैं आख मैं ही दुखी हाँ, पर दुनिया दुखी है, नानक दुखिया
सब संसार पातशाह ने जिक्र किया आ उस्तत निंदा दो त्याग खोजे पद निर्बाना उस्तत ते निंदा त्याग दे कोई निंदा कर जाए कोई सिफत कर जाए ये छड निंदा कर आप दसम पातशाह को सिख आके कहिंदे महाराज निंदा करन दी बड़ी आदत पै गई महाराज की करिए छुट्टे किदां महाराज कहिंदे बड़ा सौखा तरीका निंदा करनी है करी जाओ कहिंदे किदी महाराज अपने आप दी करिया कर अपने आप नूं जिन्ना बुरा कह सकदा कह सब तो दुनिया ते मैं ही बुरा निंदा करन दी आदत रख पर अपने उत्ते रख किसी होर ते ना रख उस्तत करनी तो परमेश्वर की कर सिफत वाहेगुरु की कर निंदे अपने आप की सिफत गुरु वाहेगुरु की कर तर जाएगा यही गल गुरु ने उस्तत निंदा दो त्याग खोजे पद निर्बाना निर्बाण का अर्थ होंदा है जिथे वासना नहीं जिथे कामना मुक जाती है जिथे ये है भी जो परमात्मा कर रहा है शुक्र है इस तरह पातशाह कहिंदे ने जिन नानक ये खेल कठिन है किन्हूं गुरमुख जाना पर खेल बड़ा औखा है सारे इस रात नहीं तुरदे क्योंकि भगतां की चाल निराली चाला निराली भगतां केरी विखम मार्ग चलना गुरसिखी बारीक है खंडे तार गली अत भीड़ी गुरु ने कहा बड़ी सिखी बारीक है पर उत्ते चलना औखा पर यह नहीं चलिया नहीं जाना चलिया जा सकता है पर गुरु का सहारा लैके गुरु की बाणी का सहारा लैके तुर सकते हैं पर जिन्होंने खेल समझिया है वह गुरमुख बन गए हैं गुरु तेग बहादुर पातशाह ने कृपा की महाराज के पहले शब्द की विचार की विचार करदे हुई भुलां की माफ़ी बख्शिश करनी बुलाओ फतेह जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की